और यहाँ पे साफ तौर पे लिख रहा है YouTube कैसे वीडियो चुनता है, किन वीडियोस को प्रमोट करता है। मतलब कि YouTube यहाँ पे खुद कह रहा है कि हम वीडियोस को प्रमोट करते हैं। YouTube पे अगर आप सिर्फ एल्गोरिथम को समझ गए तो आपका चैनल ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप वीडियो बना के अपलोड करते हैं लेकिन व्यूज नहीं आता है तो आप निराश हो जाते हैं, ये समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि आखिर व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं। जब हम YouTube पे वीडियोस अपलोड करते हैं तो क्या वो आपकी ऑडियंस तक वीडियो भेजता है, क्या आपकी ऑडियंस तक वीडियो जा रही है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अगर आपकी ऑडियंस तक वीडियो जाती तो वीडियो पे व्यूज आते हैं। आज मैं नहीं बल्कि YouTube खुद बताएगा कि एल्गोरिथम कैसे काम करता है और वो लोग मतलब कि YouTube के लोग आपकी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग तक कैसे भेजते हैं। यहां पे देखिए, ये मैंने जो है अपना ऑफिशियल इंस्टाग्राम खोला हुआ है जो कि YouTube क्रिएटर्स इंडिया का है। यहां पे ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है, YouTube एल्गोरिथम कैसे काम करता है। मैंने जैसा ये कहा कि अगर आप एल्गोरिथम को समझ गए तो आपका चैनल ग्रो होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब यहां पे एल्गोरिथम को समझिए कि यूट्यूब कह क्या रहा है, YouTube एल्गोरिथम कैसे काम करता है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि YouTube कैसे चुनता है कि किन वीडियोस को प्रमोट करना है। यहां पे आप देख सकते हैं YouTube क्रिएटर्स इंडिया का ऑफिशियल पेज है Instagram का, और यहां पे YouTube साफ तौर पे लिख रहा है कि YouTube कैसे चुनता है कि किन वीडियो को प्रमोट करना है। मतलब ये बात तो साबित हो गई कि भैया YouTube खुद आपकी वीडियो को प्रमोट करता है, और कब करता है, कैसे करता है, वो YouTube आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, YouTube के सर्च और डिस्कवरी से जुड़े सिस्टम व्यूअर को यूं ही कोई भी वीडियो नहीं दिखाते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि YouTube का जो सर्च और डिस्कवरी से जुड़े सिस्टम है वो यूं ही किसी को कोई वीडियो नहीं दिखाते हैं, कि क्यों दिखाते हैं वो भी आपको YouTube यहां पे बताने वाला है। यहां पे देखिए, वे हर व्यूअर को ऐसे वीडियो चुनकर दिखाते हैं जो वे देखना पसंद करते हैं या उन्हें काफी हद तक पसंद आ सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल सच है, और आपने भी इस चीज को नोटिस किया होगा कि जब आप अपने YouTube ऐप को ओपन करते हैं तो आप देखते होंगे वहां पे कि जो भी वीडियो आपके सामने आ रही है वो आप ही से रिलेटेड आ रही है। मतलब कि आप अगर मूवीज ज्यादा देखते हैं तो आपको मूवीज दिखाता है YouTube, अगर आप सीरियल ज्यादा देखते हैं तो सीरियल आपको दिखाता है। मतलब कि जिस तरह की वीडियो आप ज्यादा देखते हैं यूट्यूब पर, उन्हीं वीडियो को ज्यादातर यूट्यूब आपको दिखाता है, ये यूट्यूब खुद कह रहा है। दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए, अगर आप सारा एल्गोरिथम समझ जाते हैं तो आपका चैनल ग्रो होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब यहां पे देखिए नेक्स्ट, यहां पे YouTube का एल्गोरिथम दो तरह से सिग्नल के हिसाब से सभी वीडियो को रैंक करता है, एक यूजर की प्रेफरेंस और वीडियो की परफॉर्मेंस। पहली चीज यहां पे YouTube क्या कह रहा है कि यूजर की प्रेफरेंस, मतलब कि यूजर को किस तरह की वीडियोस चाहिए, इस पे काम करता है। और दूसरा वीडियो की परफॉर्मेंस, आपकी वीडियो कैसा परफॉर्म कर रही है, आप जो वीडियो बना रहे हैं उसको कितनी देर तक लोग देख रहे हैं, कितना इंटरेस्ट लेके देख रहे हैं, ये चीज बहुत मायने रखता है। और यहां पे देखिए साफ तौर पे ऊपर में लिखा हुआ है YouTube का एल्गोरिथम दो तरह से सिग्नल के हिसाब से सभी वीडियो को रैंक कराता है। मतलब YouTube का जो सिस्टम है उसको पहले सिग्नल जाता है कि यूजर की प्रेफरेंस क्या है, मतलब कि किस तरह की वीडियो ये यूजर देख रहे हैं, और दूसरा वीडियो का परफॉर्मेंस, मतलब कि कितनी देर तक वीडियो को देखा जा रहा है। अब आगे आएगा, यहां पे देखिए यूजर की परफॉर्मेंस क्या है। अब यहां पे जैसा दो चीज आपने देखा, यूजर की परफॉर्मेंस और वीडियो की परफॉर्मेंस, तो पहला यूजर की परफॉर्मेंस क्या है। यूजर की परफॉर्मेंस मतलब यूजर को उनकी खास प्रेफरेंस के हिसाब से वीडियो के सुझाव दिए जाते हैं, इसके लिए कुछ सिग्नल पर गौर किया जाता है जैसे कि न्यूज, गेमिंग, वॉच हिस्ट्री, व्यूअर्स किसी चैनल या टॉपिक का वीडियो कितनी बार देखता है। आप जितनी बार जिस तरह की वीडियो देखेंगे उसी तरह की वीडियो आपको YouTube बार बार दिखाएगा, मतलब उसी तरह की वीडियो आपको बार बार भेजेगा जिस तरह की वीडियो आप देख रहे हैं। इस तरीके से YouTube का जो है सो एल्गोरिथम काम करता है। अब यहां पे देखिए वीडियो की परफॉर्मेंस, पहला यहां पे था यूजर की परफॉर्मेंस जिसको आपने समझा, दूसरा है वीडियो की परफॉर्मेंस। अब आपकी वीडियो किस तरीके से परफॉर्म करनी चाहिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी वीडियो को देखें। देखिए यूजर की
दिलचस्पी बनाए रखने के लिए वीडियो कितना कामयाब रहा यह कुछ खास फैक्टर से तय होता है, जैसे कि क्लिक थ्रू रेट, मतलब कि थंबनेल पे आपके कितनी क्लिक हो रही हैं, मतलब कितने परसेंट लोगों के पास जा रहा है। मान लीजिए 100 लोगों के पास मेरी वीडियो गई और 100 लोगों में से 60-70 लोगों ने मेरे वीडियो पे क्लिक कर दिया, तो यूट्यूब का एल्गोरिथम समझता है कि ये वीडियो अच्छी है, ज्यादा क्लिक थ्रू रेट मिल रहा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जा रहा है। फिर से इस चीज को समझिएगा, यूजर की दिलचस्पी बनाए रखने में वीडियो कितना कामयाब रहा यह कुछ खास फैक्टर से तय होता है, कि जैसे कि क्लिक थ्रू रेट। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे ही जैसे तैसे वीडियो बना दिया और वीडियो बना के डाल देते हैं। उस तरह की वीडियोस आपकी कभी भी नहीं चलेंगी, उस तरह की वीडियो आपकी कभी भी ग्रोथ नहीं होगी जिसमें दिलचस्पी लोग ना दिखाएं। अब लोग ऐसे क्या करते हैं, उठते हैं, ऐसे वीडियो बना दिया और वीडियो बना के डाल दिया, उस तरह की वीडियोस आपकी कभी भी नहीं चलेंगी। तो उस तरह की वीडियोस नहीं बनानी है। वीडियो देखे जाने का औसत समय ये भी बहुत मायने रखता है। मान लीजिए आपकी वीडियो 10 मिनट की है और लोग 8 मिनट तक आपकी वीडियो को देख रहे हैं, तो आपकी वीडियो ज्यादा से ज्यादा ग्रो हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जा सकती है। वीडियो का कितने फीसदी हिस्सा देखा गया ये भी बहुत मायने रखता है। अगर ज्यादा से ज्यादा फीसदी वीडियो के पार्ट को देखा गया तो इससे आपकी वीडियो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाती है। और यूजर्स का सेटिस्फैक्शन बनाने वाले इंडिकेटर, जैसे कि लाइक बटन, सब्सक्राइब, सर्वे वगैरह, मतलब कि और व्यूअर्स का सेटिस्फैक्शन बताने वाले, मतलब कि कोई अगर वीडियो को लाइक कर रहा है तो ये वीडियो का सेटिस्फैक्शन है कि व्यूअर जो है सेटिस्फाई हो रहा है वीडियो को देख के। उसके बाद सब्सक्राइब कोई कर दे रहा है तो उससे भी यूट्यूब समझता है कि अगर लाइक किया, सब्सक्राइब किया, मतलब कि ये अच्छे वीडियोज बना रहे हैं। इन सिग्नल की मदद से हमारे सिस्टम हर व्यूअर की पसंद के हिसाब से सबसे बढ़िया वीडियो चुनकर दिखाते हैं। अब यहां पे सोचिए कि यूट्यूब का सिस्टम जिस हिसाब से काम करता है उसी हिसाब से जो है सो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यूट्यूब का सिस्टम जो है आपके वीडियो को भेजता है। और यहां पे साफ तौर पे लिख रहा है कि यूट्यूब कैसे वीडियो चुनता है, किन वीडियोज को प्रमोट करता है, मतलब कि यूट्यूब यहां पे खुद कह रहा है कि हम वीडियोज को प्रमोट करते हैं। अब आइए, क्या किसी वीडियो का टाइटल या थंबनेल बदलने से एल्गोरिथम में उसकी रैंक बदल जाती है? बहुत लोगों के मन में होता है कि चलो इसका वीडियो नहीं चला है तो इसका टाइटल बदल देते हैं, इसका थंबनेल बदल देते हैं, तो क्या वो एल्गोरिथम में उसकी वीडियो को रैंक करता है? अगर व्यूअर को आपके वीडियो में कोई बदलाव दिखते हैं तो इससे वीडियो के साथ उनके इंटरेक्शन पर भी असर पड़ता है, नतीजतन वीडियो की रैंकिंग पर भी इसका असर पड़ता है। अब YouTube यहाँ पे साफ तौर पे कह रहा है कि अगर व्यूअर को आपके वीडियो में कोई बदलाव दिखता है तो इससे वीडियो के साथ उनके इंटरेक्शन पर भी असर पड़ता है, नतीजतन वीडियो की रैंकिंग पर भी इसका असर पड़ता है। उसके बाद, हालांकि वीडियो के थंबनेल या टाइटल में फिर बदल करने से हो सकता है कि उसके व्यूज बढ़ जाएं, लेकिन अगर वीडियो पहले से पॉपुलर हो चुका है तो बेहतर होगा कि उसके असर को बरकरार रखें। अगर जिस थंबनेल और टाइटल पे आपके वीडियो रैंक कर रहे हैं उस थंबनेल और टाइटल को बदलने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने वीडियो अपलोड किया और उस थंबनेल या टाइटल पे आपकी वीडियो वायरल नहीं हो रही है तब आप उसको बदल सकते हैं। YouTube यहाँ पे साफ तौर पे कह रहा है और ऐसे ही वीडियो को YouTube प्रमोट करता है। आज आपके सामने YouTube ने साफ तौर पे बता दिया कि किस तरह की वीडियो चुना जाता है, YouTube कैसे वीडियो चुनता है कि किन वीडियोस को प्रमोट करना है, YouTube खुद बता रहा है। आपको बस इन नीतियों को समझना है, इस एल्गोरिथम को समझना है। आप खुद देखेंगे कि आपकी वीडियो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच रही है और ज्यादा से ज्यादा वायरल हो रही है। दोस्तों, इसी एल्गोरिथम पे आपको काम करना है। जैसे तैसे वीडियो बना के डालने से आपका चैनल ग्रो नहीं होगा, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। इन नीतियों पे काम कीजिए, आपका चैनल भी जल्द से जल्द ग्रो हो सकता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी दिक्कत हो तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा। धन्यवाद।